नमस्कार दोस्तों, मैं पवन गहलोत आपके अपने YouTube चैनल श्री साई कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th और 12th के रिजल्ट के बारे में। जी दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे क्लास 10th और 12th के CBSE रिजल्ट के बारे में। जी दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो 10th और 12th का CBSE रिजल्ट है उसका डेट अभी तक घोषित नहीं हुआ है और इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो इसमें आपको एक तो रिज़ल्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी और सेकंड ये कि आपको जो 10th में है यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट से पास किया जाएगा या 4 सब्जेक्ट से। तो ये मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूँ कि आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट में पास किया जाएगा कि 4 सब्जेक्ट में। तो आज का वीडियो शुरू करने से आप पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल श्री साई कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल श्री साई कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल का आइकन जरूर जरूर दबाए, जिससे आगे जितने भी आने वाले अपडेट है उसको आप टाइम पर देख सकें। और वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर दे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो CBSE का रिज़ल्ट आएगा उसमें जो 10th बेसिस है उस में आपको किस या कितने सब्जेक्ट पर पास किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी जितने भी अगर 4 सब्जेक्ट में आपकी एग्ज़ाम हुई है तो आपको बेस्ट ऑफ 3 में से पास किया जाएगा। और अगर आपको जो आपने 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए तो आपको 2 सब्जेक्ट से काउंट किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट में जो पास है या फेल है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जो अगर आपकी 4 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम हुई है तो आपको 3 सब्जेक्ट से जो परसेंटेज काउंट किए जाएंगे, और अगर 5 सब्जेक्ट की हुई है तो 4 सब्जेक्ट से काउंट किए जाएंगे। इसमें अगर 5 सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 4 लिए जाएंगे और 4 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दिए तो आपको बेस्ट ऑफ 3 काउंट किए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और बात करी जाए कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो मैं बता दूं आपको कि जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 15 जुलाई, हो सकता है वो 13 जुलाई को भी आ सकता है, 14 को भी आ सकता है, बट कहा जाए तो आज की डेट देखी जाए तो आज 12 जुलाई जो संडे है आज, और देखा जाए तो आज CBSE कोई भी वर्क नहीं करते हैं। अगर होता भी है तो या तो 12 या तो 13 या मंडे को होगा या ट्यूसडे को, या तो 13 को या 14 को हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो 15 को फाइनल आपका रिज़ल्ट जो CBSE बोर्ड ने एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, अगर 15 जुलाई को आ सकता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपको मैं एक ट्रस्टेड साइट है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको ट्रस्टेड साइट NDTV एजुकेशन। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको ले जाता हूँ NDTV पे ले जाता हूँ, जहाँ आपको बताया जाएगा कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो मैं आपको इस न्यूज़ पे ले जाता हूँ। सबसे पहले ये जो न्यूज़ ट्रस्टेड है यहाँ पर जो भी, और आपको सबसे पहले बता दूँ मैं कि ये जो डेट है ये डेट आज 12 जुलाई दे रखी है, यहाँ पर देख सकते हैं 12 जुलाई का है और 1:43 PM का जो अपडेट है इसमें। उसे बता दो CBSE एक्सपेक्ट अनाउंस, यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं आप जो एक्सपेक्टेड अनाउंस बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट बाय 15 जुलाई, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बताई गई, जो आप सभी जानते हैं कि 15 जुलाई को जो है ये डेट दी गई है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 13 को भी आ सकता है, 14 या 15, इन 3 दिन के बीच में आ सकता है। यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, बट आ सकता है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो 10th और 12th के जो है वो जो रिज़ल्ट हैं वो, अगर आपको जो 12th और 10th का अगर दोनों साथ में अनाउंस करते हैं तो दोनों एक साथ कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो या तो 13 को 10th का कर सकते हैं और 12th का जो है वो 15 को या 14 को अनाउंस कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको बता दें कि जो 10th और 12th का जो CBSE रिज़ल्ट है वो आपको कहाँ पर जाकर देखना है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर आप cbse.nic.in पर जाके भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है। और सेकंड ऑप्शन अगर एप्लीकेशन के माध्यम से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिगी लॉकर एप्लीकेशन के नाम से प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, आप वहाँ पर आपको डिगी लॉकर एप्लीकेशन मिल जाएगा और उसमें जाकर आपको आपको जो भी मोबाइल नंबर है और आधार नंबर उससे आप लॉग इन कर लेंगे उसमें, और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको जो है जो सेंट्रल CBSE का जो 10th और 12th का जो रिज़ल्ट चेक करने का है वहाँ पर जाकर आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।